सो वेल ही व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक इनटू आवर अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो वेल आ चुके हैं फिर से लेकर के एक नई वीडियो। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्री फायर की रिचेस्ट आईडी यानी कि फ्री फायर की 1 करोड़ रुपीस आईडी इन 2022। इस आईडी को जो मैं मेले दिखाना चाह रहा हूँ ना वो तो इसलिए ये बंदा ना ही कोई यूट्यूबर है ना ही कोई अमीर बंदा, ये एकदम एवरेज बंदा है, तब भी इसमें अपनी आईडी में इतना सारा टॉप अप कर रखा है। हाँ यार वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ना ही ये बंदा कोई मॉडरेटर है। हाँ यार ये बंदा मॉडरेटर भी नहीं है लेकिन फिर भी इसने अपनी आईडी में इतना सारा टॉप कर रखा है कि कहीं लाख रुपए का बैठने वाला है। चुकी तरह मैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इसकी आईडी में देखने में। ऐड की तरह आप में से कौन कौन बंदा है इस आईडी को देखने के लिए इंटरेस्टेड है वो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया। बाकी जो बंदा चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है तो फटाफट जाओ एंड जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड यार फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। चलो फटाफट से इस बंदे का कलेक्शन शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में गाइस आपको ये वाला बंडल देखने के लिए मिल जाता है डॉक्टर सैनिटी बंडल एंड गाइस इसी के बगल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा अपना कोबरा बंडल जो कि कलर चेंज कर सकता है एंड उसी के पास में आपका बुएडे बंडल एंड गाइस बुएडे बंडल के साथ है इधर ब्रेक डांसर बंडल एंड गाइस आपका आर्टिक ब्लू बंडल एंड ये गाइस आपका गोल्डन समुराय का बंडल जो कि आपका इंक्यूबेटर में आया था और वही गाइस आपका ये आगे लोकेश केमर वाला बंडल एंड इसके अलावा किसी अगर हम बात करें तो ये आपका स्केटर बोर्ड बंडल जो कि किसी टाइम पे बहुत वायरल था एंड गाइस ये रहा आपका रॉक स्टार वाला बंडल जो कि दिखने में काफी ज्यादा सही लगता है। इसके अलावा इधर और भी काफी सारे आइटम्स हैं जिनके बंडल्स तो इधर नहीं है तो इधर हम फटाफट से किसर देख लेते हैं। जब से किसर इस बंदे ने टॉप करना शुरू कराया तब से किसर इसने तब से लेकर के अब तक के मैक्सिमम लाइट पासिस बाइक कर रखे हैं। BTS का यार क्या शानदार बंडल है, मतलब ग्रीना ने क्या सोच के बंडल बनाया है और इसके साथ किसर ये सारे के सारे BTS के बंडल से जो भी है। जब हमारा BTS बंडल आया था ना तो जितने भी उसमें आइटम्स थे यार वो सारे के सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे, मतलब मेरे को दरअसल में जेन्युइनली फ्री में तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी यार जब मैंने इस बंदे आईडी देखी था सच में यार मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि यार इसके आईडी में आपको बंडल्स एंड यार ये वाला बंडल देखो मेरा फेवरेट बंडल पता नहीं कभी आया था किसी टाइम पे आया था। अरे पता नहीं यार ये रोज स्माइल वाला बंडल मेरे को इतना सही लगता है बट यार कभी आ गया ये बंडल मेरे को पता नहीं चला। यार आप मेरे को बताना यार आखिर हमारा रोज स्माइल वाला बंडल आपने फ्री फायर में कब आया था। यार इसके आईडी में जितने बंडल्स है ना यार उस हिसाब से कम 300-400 पिक्चर्स का रेंडर पैक बना सकता है, बना भी लिया हो तो क्या ही बात है। बाकी यार मैंने आज यार नोटिस करा कि अपने चिकने मैक्सिम को दाढ़ी आ चुकी है। आई थिंक न्यू अपडेट के बाद मैक्सिम को दाढ़ी दे दी गई है जो कि सर विद बियर्ड काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है एंड यार मेरे को इसके पुराने वाले लुक से अब वाला लुक काफी ज्यादा बढ़िया लगा, काफी ज्यादा बोल्ड लुक लग रहा है। अगर आप इसके फेस पर कोई मास्क भी नहीं लगाओगे तभी किसी तरह काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। बाकी यार इसकी आईडी मेरे को सच में काफी ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि यार एक नॉर्मल पर्सन होते हुए ऐसी आईडी बना लेना कोई आसान बात नहीं है यार। ऐसी आईडी को बनाने में सच में सर काफी लाख डायमंड लग जाते हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जितने भी शॉप में फेस पेंट थे यार इस बंदे ने सारे ही बाय कर लिए क्योंकि यार इसकी आईडी में टोटल 48 फेस पेंट है जो कि सर काफी बड़ा अमाउंट होता है एज कम्पेयर टू फॉर अ फेस पेंट। हाँ तो इधर आप हमारा एक कोट वाला बंडल देख पा रहे जो कि शायद से लाइट पास में आया था। उसके अलावा काफी सारे BTS के बंडल्स हैं एंड कुछ जर्सीज हैं एंड उसी के साथ ही कुछ बॉडी आ गई है। सबसे अच्छी आईडी की बात यह है कि इसने अपने गन कलेक्शन की जगह अपने बंडल्स कलेक्शन पे फोकस करा है एंड यार पुराने से पुराने बंडल लेके रख रखे हैं चूंकि किसे मेरे को भी याद नहीं कब आए थे और यार होगा भी क्यों नहीं यार 78 लेवल का बंदा है यानी कि कम से कम 80 लेवल तो इसका होने ही वाला है और जैसे कि 70 लाइन काफी जल्दी हो जाएगा जैसे कि आप इसके ऊपर की लाइन को देख करके समझ ही पा रहे हो। और ये देखो हरे झाट हमें पत्तों वाला बंडल है। उसके अलावा किस तरह इसकी आईडी में और भी बहुत ही सारे बंडल्स हैं। अब यार इधर हम आ चुके हैं नॉर्मल बंडल्स पे जो इधर मैक्सिमम फ्री में देखने के लिए मिलते हैं लाइट पास एंड इसी कोई जगह से इसी के आपके फ्री के क्लेम इवेंट्स हो गए। तो बाकी यार इधर इसके शर्ट्स खत्म हो चुकी है तो इधर हम पैड्स की बात कर लेते हैं। तो यार वैसे तो मैंने सभी कुछ दिखा ही दिया है, बाकी यार जो नहीं दिखाया वो है ये फुल वाले बंडल। इधर मैंने आपको ये टाइटन वाला बंडल इसलिए दिखाया क्योंकि वीडियो में दिखाने का नहीं है, पता चला वीडियो पे रेस्ट्रिक्शन आ गया क्योंकि जब ये टाइटन वाला बंडल आया था तो काफी सारे यूट्यूबर्स ने ऐसा करा था यार, मतलब इसे वेयर करके गेम प्ले करा था एंड उसके पास अच्छे खासे लंबे चौड़े वर्ड रेस्ट्रिक्शन भी ले लिया। बाकी इधर बोलते बोलते 78 गाइस रिमोट्स हो चुके हैं इस बंदे के पास। इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने इमोट पार्टी से तो इमोट्स लिए हैं, उसके अलावा इस बंदे ने स्टोर से भी इमोट बाय कर रखे हैं। तो इधर यार इसके पास काफी सारे इमोट हैं एंड नॉर्मल इमोट तो है ही, उसके साथ प्रॉप वाले इमोट भी हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े लग रखे हैं। लेकिन यार इतने सारे इमोट होने का भी क्या ही फायदा, 78 इमोट्स में ओनली 8 इमोट्स इस बंदे ने लगा रखे हैं, बाकी 70 इमोट तो वर्ड्स में पड़े हैं। बाकी यार इतने इमोट होने के बाद 5-5 यार एनिमेशंस भी हैं, मतलब यार बंदे ने गदर काट रखी है। इसमें से शायद हमारा बुएडे वाला है अपना कोबरा
वाला है और अपना सेंटा क्लॉस वाला भी है। और वहीं इसके पास 110 बैकपैक्स हैं। बट यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा आखिर ये कॉपी वाला आइटम लेके क्यों घूम रहा है, जब इसके पास इतने सारे बैग्स है तो 100% इसका ओरिजिनल पीस भी होगा। पता नहीं कि यार गजब आदमी ने अलग ही तरीके का बैकपैक लगा रखा है क्योंकि इसे ऑलरेडी किसी बैकपैक की कॉपी है। इधर ही हल्का सा पीछे रह गया जस्ट बिकॉज इधर इसका हॉर्स वाला स्काइविंग नहीं है। बाकी यार स्केटबोर्ड में बहुत सारे हैं, व्हीकल्स पाए थे तो व्हीकल्स की तो यार बात ही मत करो, लगभग 18 तो ही गई इसके पास। लैम्बो की स्किन अरेंजमेंट काफी तो ऐसी है जो कि मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। एंड ये देखो हमारा हायाबुसा की निंजा वेरिएंट वाली स्किन जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और ये ट्रक की तो नॉर्मल स्किन है, बाकी यार हमारी व्हील आई मीन अपनी जिप्सी की स्किन है। एंड ये इधर हमारी फ्री फायर की सबसे ज्यादा बकवास कार की भी स्किन है और यार इसके साथ ये टुक की एक स्किन है। एंड यार ये टुक टुक का नाम सुनकर मेरे को एक चीज याद आई, फ्री फायर को इस ऑटो का नाम टुक टुक ही रखना चाहिए। और इसी के साथ इसके पास काफी सारे लेजेंडरी अवेटर बैनर दोनों ही है और ये कुछ कैसेट्स है, काफी सारे मैजिक क्यूब और इवोल्यूशन स्टोन भी है। बाकी इधर जो हमारा कलेक्शन है वो बस यहीं पे खत्म होता है। बट अभी गेजर रुकना मत, अभी तो यार एक चीज और रह रही है, इसका गन कलेक्शन जो कि गेजर काफी ज्यादा बढ़िया है। तो यार अब फटाफट से स्क्रीन को स्विच कर देते हैं अपने गन कलेक्शन की ओर। गन सेक्शन पे कूदने से पहले गेजर इसका एक बार अदर बंडल सेक्शन तो देख ही लो यार, कितना तगड़ा है यार। इसमें काफी सारे बंडल ऐसे हैं जो किसी ने ओपन भी नहीं करे एंड ऐसे जस्ट रख रखे हैं। तो अब तो यार आप खुद ही अंदर से लगा पा रहे होगे यार आखिर इसके आईडी में कितने ही सारे बंडल हैं। बाकी यार इधर अब चलते हैं इसके गन कलेक्शन की ओर। और इधर गन्स में इसकी सबसे पहले ईवो गन्स चेकआउट कर लेते हैं। तो इधर इसके पास काफी सारी वो गन्स हैं या फिर बोलो तो सारी की सारी ही ईवो गन्स हैं। अभी तक की फ्री फायर में जितनी भी वो गन्स हैं यार इसके आईडी में सारी की सारी ईवो गन्स हैं। बट यार लेवल मैक्स नहीं है, लेवल मैक्स इसने बस कोई कोई गन कर रखी है। मेरे अकॉर्डिंग इस बंदे को पसंद होगी या फिर जिसकी एबिलिटीज इमोट अच्छे लगते होंगे या फिर जिसके इसके बैजेस पूरे हो गए होंगे पहले, इसके पास वो सब लेवल मैक्स हो रखे हैं। बाकी इधर हम अगर कूदते हैं इस बंदे के वेपन कलेक्शन की अदर देन ईवो गन्स। अभी देखो यार इधर हम फटाफट से शुरू कर देते हैं इस बंदे का गन कलेक्शन दिखाना। तो यार इसके पास स्कॉर्चिंग सैंड के अलावा बाकी यार 8 AM-41 की गन स्किन है, 14 AK-47 की गन स्किन है जिसमें सारी की सारी गन स्किन परमानेंट है एंड जहां तक कुछ तो लेजेंडरी भी है। और इधर अगर हम M14 की बात करें तो 7 M14 की स्किन है जिसमें से एक तो कैसे लेजेंडरी है एंड बाकी सारी नॉर्मल गन स्किन है। स्कार की बात करें तो कैसे स्कार की 12 गन स्किन है जिसमें से एक अल्टीमेट टाइटन, उसके अलावा एक ईवो गन स्किन, क्यूपिड स्कार, एक और स्कार और एक और स्कार, ये सब लेजेंडरी है, बाकी यार नॉर्मल गन स्किन है। आपके अकॉर्डिंग जब आप पूरी की पूरी आईडी चेकआउट कर लोगे तो उसके बाद मेरे को नीचे आखिर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना कि यार आखिर इस बंदे ने अपनी आईडी पे कितने पैसे लगाए होंगे। बाकी इधर इस बंदे के पास आ चुकी है ग्रोजा की 4-4 स्किन्स, फार्मास की 8 स्किन जिसमें से कुछ लेजेंडरी है एंड कुछ नॉर्मल है, एक्समेट की भी 6 गन स्किन है जिसमें से एक मेरी फेवरेट वाली है जो कि आप कह सकते हो ईवो गन स्किन। उसके अलावा 4 A3N94 यानी कि AN94 की 4 गन स्किन है एंड अपना प्लाज्मा की 4 गन स्किन है और की 7 गन स्किन है जिसमें से कुछ लेजेंडरी है एंड कुछ नॉर्मल गन स्किन है। और इधर पेरिफेरल की 2 गन स्किन है एंड वहीं से अगर हम मार्क्समैन राइफल पे चलते हैं क्योंकि यार आखिरी खत्म हो चुका है। इधर इसके पास हिस्केस की हिस्टेरिया गन स्किन है जो कि मेरे हिसाब से लेटेस्ट गन स्किन है आपकी हिस्टेरिया आई मीन इसकी एसकेएस की। और टोटल इस बंदे के पास 8 गन स्किन है आपकी एसकेएस की एंड 5 SVD की है एंड 2 फुट पैकर की है और उसके बाद ACBD की 1 गन स्किन है जो कि एक लेजेंडरी गोल्ड प्लस मार्बल की एक अलग ही तरीके कॉम्बिनेशन बना के बनाई गई है। इधर इसके पास M249 की 3 गन स्किन है, 6 आपकी M60 की और कॉट की 2 गन स्किन है। और इधर इसके पास लगभग 10 UMP की गन स्किन है जिसमें सर कुछ तो लेजेंडरी है एंड कुछ ऐसी नॉर्मल गन स्किन है। और इधर MP5 की 11 गन स्किन है। तो इधर इसका UMP से सिर्फ और सिर्फ 1 गन स्किन ज्यादा है, बाकी इधर हम बात करें VSS की 1 ही गन स्किन है। एंड इसे देख करके आप अपने VSS के प्रति फ्री फायर के बंदों का एंड खुद फ्री फायर का प्रेम देख पा रहे होगे। फ्री फायर की VSS ही एक ऐसी गन है जिसमें जब फ्री फायर के बंदे तो खेलना चाहते है ही नहीं, यहाँ तक कि फ्री फायर भी गन स्किन उसकी बनाना ही नहीं चाहता। और इधर हम P90 पे आ चुके हैं तो जैसे P90 आप इधर देख पा रहे हो खत्म हो चुकी है, CG-15 की भी एक हो चुकी है, थॉमसन की 5 गन स्किन है इस बंदे के पास जिसमें से एक टेम्परेरी है 52 डेज के लिए यानी कि 1 महीने से ज्यादा ही। बाकी इधर वेक्टर की भी इस बंदे के पास दोनों वाली गन स्किन यानी कि वेक्टर फायर एंड आइस। और वहीं अगर हम MAC-10 की बात करें तो उसकी भी काफी ज्यादा बढ़िया गन स्किन है इस बंदे के पास, MAC-10 की अभी तक की ओनली गन स्किन है। बाकी इधर हम आ चुके हैं अपनी शॉर्ट गन्स पे, तो इधर हम M1014 की बात करें तो 6 गन स्किन है एंड Spas-12 की भी लगभग 8 गन स्किन है जिसमें से एक यार कॉस्मिक वाली है। एंड वही किधर अगर हम M1887 की बात करें तो वहां पे किधर इस बंदे के पास समथिंग 5 गन स्किन है यानी कि M1887 की अभी तक की आई हुई सारी की सारी गन स्किन एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रॉपिकल पैरेट भी है। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार अगर आपको इतनी सारी M1887 की स्किन में से कोई एक स्किन लेने का चांस दिया जाए तो आप कौन सी स्किन लेना प्रेफर करोगे। अगर ऐसा चांस मेरे को दिया जाए तो मैं तो ट्रॉपिकल पैरेट ही लेना पसंद करूंगा, बाकी आपके लेना पसंद करोगे नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाकी अगर हम AWM की स्किन की बात करें तो 5 AWM, 6 Kar-98K, M24 M82B की 2 एंड ट्रीटमेंट स्नाइपर की 1 गन स्किन है। बाकी इधर पिस्टल को इग्नोर करते हुए अगर हम पैन की स्किन की बात करें तो 20 पैन की स्किन है एंड समथिंग में 16 इधर परांग की स्किन है, 19 बैट की स्किन है, कटाना की समथिंग में 10 स्किन है। मेरे को तो कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी
तक की जितनी भी गेजर कटाना की गन स्किन्स आई है इस बंदे के पास सारी की सारी कटाना की लेजेंडरी गन स्किन्स है। और इसका सायते की भी तीन तीन स्किन्स है। और अभी सिर्फ गेजर इतना ही नहीं है, गेजर इसके पास ये चाकू की भी एक गन स्किन है जिसको आप हंटर ब्लेड्स कहते हो। और वही अगर हम बात करें फिश की तो इस बंदे के पास फिश की भी काफी सारी स्किन्स है। एंड मेरी जो स्किन है वो गेजर ये एक्वा वाली है, इसको यार आप माइथोस फिस्ट भी कह सकते हो। इधर फिश के पास इसके पास बचते हैं कुछ ग्रेनेड एंड अपने ग्लू वॉल्स। तो वेल यार आज की ये वाली वीडियो बस यहीं पे खत्म होती है। होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। एंड जब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट जाओ एंड जाके वीडियो को लाइक कर दो। एंड चैनल पर आने तक सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।